साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज प्रेरणा लक्ष्य ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर हमें कैसे काम करना है, हम बच्चों की दक्षताओं का आकलन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ स्क्रीनशॉट हैं इसके एप्लीकेशन के। यहाँ पर हिंदी भाषा की दक्षता दी गई है और गणित भाषा की हैं प्रेरणा लक्ष्य दिए गए हैं, तो आप इनको देख लेंगे। इसके बाद इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, उस लिंक के माध्यम से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि इस एप्लीकेशन पर हमें कैसे काम करना है, हमें बच्चों का आकलन कैसे करना है। तो ये ऐप मैंने डाउनलोड कर लिया है प्ले स्टोर से। ये यहाँ पर स्कैनिंग कर रहा है एप्लीकेशन। अब हम यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन हमारा ओपन हो जाएगा। ये देखिए प्रेरणा लक्ष्य ऐप हम यहाँ पर अलाउ कर देंगे, ये हमारा ऐप यहाँ पर ओपन हो गया है। सबसे पहले यहाँ पर प्रेरणा लक्ष्य दिए गए हैं भाषा और गणित दोनों के, और क्लास दे रखी है। जिस क्लास के लिए हमें बच्चे का आकलन करना है हम उस क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले मैं क्लास 1 को सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हमें क्लास फर्स्ट सेलेक्ट कर ली। अब हमें आकलन करना है भाषा का, तो इसे निर्धारित सूची में से 5 शब्द पढ़ लेता है बच्चा। ये हमारा प्रेरणा लक्ष्य है कक्षा 1 के लिए भाषा का। अब ये देखिए यहाँ पर हमें क्लिक करना है आकलन शुरू करें। हम आकलन शुरू पर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पर क्या है, ये रीड एलोंग एप्लीकेशन का यूज करेगा। तो जब हम आकलन पर क्लिक करेंगे तो ये रीड एलोंग ऐप हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कक्षा 2 के लिए। कक्षा 2 के लिए हम गणित की दक्षता का आकलन करते हैं। गणित को सेलेक्ट कर लिया हमने। अब हम फिर से वही करेंगे, आकलन शुरू करें। यहाँ पर हमने आकलन शुरू करें पर क्लिक किया। यहाँ पर देखो ये कक्षा 2 की जो प्रेरणा लक्ष्य है वो यहाँ पर उस पर ग्रीन टिक हो गया है। अब आकलन पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सवाल आ जाएंगे। ये हमें सवाल बच्चों को दिखाने हैं और वो इसके आंसर बताएंगे बच्चे। तो इस आधार से हम बच्चों का आकलन करेंगे यहाँ पर। तो इससे ये बेनिफिट रहेगा कि हमें अलग से क्वेश्चन पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने मोबाइल के थ्रू इन एप्लीकेशन की हेल्प से ही बच्चे का आकलन कर लेंगे। इसके बाद हम कक्षा 5 के लिए देखते हैं भाषा के लिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, बड़े अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर अनुच्छेद दे रखा है और उस अनुच्छेद के आधार पर यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं। जुम्मन की किससे मिलती थी, तो इसका आंसर है अलगू से। तो बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ेगा और फिर उसके आंसर को सेलेक्ट करेगा। वे एक दूसरे पर किस तरह का विश्वास करते थे, इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं। बच्चा इन प्रश्नों को पढ़ेगा और उनका आंसर देगा, तो इस तरीके से बच्चे का आकलन हो जाएगा। तो साथियों, ये एप्लीकेशन बहुत उपयोगी रहेगा हमारे लिए। ये बाद में सबसे लास्ट में ये रिजल्ट कार्ड आ जाता है। आप इस तरीके से बच्चों का आकलन कर सकते हैं।